हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी जो है आज CHSL की डीवी है जो कि प्रयागराज में शेड्यूल हुई थी, तो कुछ देर में हम डीवी के लिए निकलने वाले हैं। तो उससे पहले मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन पर्पस के तौर पर बना रहा हूँ। आज जो मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ, ये वही होटल है जो कि मैं 2017 में जब MTS का मेंस देने आया हुआ था। तो चूंकि सिविल लाइन्स के होटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जिस कारण से था उस टाइम मैं और मेरा छोटा भाई आया हुआ था तो अफोर्ड नहीं कर पाए थे, और हम लोग जो थे वो प्लेटफॉर्म पर सोए थे। और आज जॉब के बाद जो है आज वही होटल में हम लोग इस होटल के सबसे बेस्ट रूम, जिसे स्वीट रूम बोला जाता है, उस रूम में हम लोग ठहरे हुए हैं। कुछ देर में है जो है हम लोग डीवी के लिए निकलने वाले हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को अपने होटल के रूम का टूर करा देता हूँ। आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मोटिवेशंस के तौर पे काम करें, एंड आई होप कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी जॉब लें और अपने छोटे मोटे ये जो ड्रीम्स होते हैं उन्हें पूरा करने का ट्राई करें। चलिए टूर करते हैं। इंटरफेस यहाँ पर जो है लिविंग रूम के तौर पे जो है इसे सेट किया गया है। यहाँ पर एक इंटरकॉम दिया गया है ताकि यहाँ पर से रूम सर्विस और रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया जा सके। फिर यहाँ सेंटर टेबल दिया गया है, चिलअप करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। फिर यहाँ पर एक एयर प्योरीफायर दिया गया है, यहाँ टीवी दिया गया है। मिरर दिया गया है, वो व्यू के लिए दिया गया हुआ, देखिए कितना ब्यूटी व्यू है। चलिए अब आपको लिविंग रूम का बाथरूम दिखाया जाए। ये रहा बाथरूम। अब यहाँ से इंटर करते हुए ये हम लोगों का रूम दिया गया है। चलिए रूम देखते हैं। दिया गया है और एक टेबल दिया गया है, इसे आप एक तो खाने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे बैठने के लिए यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते। फिर इधर ग्लासेस और कप दिए गए हैं। यहाँ पर जो है एक मिनी फ्रिज दिया गया है। कुछ खास था नहीं, पानी हम लोगों ने रखा है ठंडा होने के लिए। यहाँ इस रूम में भी एक टीवी, लिविंग रूम में भी एक टीवी दिया गया था और बेडरूम में भी एक टीवी दिया गया है। चलिए अब आपको इस होटल के सबसे सरप्राइजिंग रूम की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम के तौर पे इसे कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ कपड़े टांगने के लिए हैंगर दिए गए हैं और इसके बाद अब
चलिए इस होटल के उस रूम की तरफ ले जाए जो कि आम होटल से इसको अलग बनाती है। यहाँ पर बाथटब दिया गया है और फिर व्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं यार। फिर इस रूम में भी जो है एक बाथरूम।